नमस्कार। आज हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, इसके सामने दोनों हाथ खोल के मांगिए कि परमात्मा, अगर आप इस धरती पर आ चुके हैं प्रलय से पहले और ये आदिशक्ति का अवतार है, तो हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए और इस आत्म साक्षात्कार से हमारा परिवार अच्छा हो, व्यापार अच्छा चले और जहां हम जाए वहां अच्छाई फैल जाए और बुराई समाप्त हो जाए। जैसे ही हाथों से ठंड आएगा, इस ब्रह्म शक्ति से आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, व्यापार अच्छा चलेगा और घर में शांति होगी, प्रेम होगा और जितने भी तलाक और जो भी तांत्रिक विद्या है ये सब बंद हो जाएंगे और पूरी दुनिया में अच्छाई फैल जाएगी और चारों तरफ सत्योग ही सत्योग दिखाई देगा। केवल 3-2 मिनट के लिए मांगते ही आपके हाथों पे ठंड आएगा, सर पे आएगा और पैरों पे आएगा और इससे हर कार्य आपका अच्छा होगा जीवन में और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार एक नया आया है जिन्होंने सत्युग शुरू किया है और कलयुग को समाप्त किया है। कुंडलनी जागरण देकर के ही इन्होंने पूरे संसार को बदला है और आप भी इस शक्ति को प्राप्त करके कि माँ मुझे भी पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जैसे हुसैन को मिला, गणेश जी को मिला, महात्मा बुद्ध को मिला, जिसका मर्जी नाम लीजिए, जीसस क्राइस्ट को मिला, तुरंत ही ठंडा आएगा और ठंडा आने से आपके सब कार्य सिद्ध होंगे, समाज अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। कंपटीशन में भी ये आपको फायदा करेगा कि वहां पर कंपटीशन में जो भी बार बार फेल हो रहा है वो एकदम अपने नंबरों से पास जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस सब को अपनाएं और सत्युग चारों तरफ दिखें। अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग सत्युग का चैनल है सहयोग टीवी ऑन यूट्यूब, उसको देखें और उसके देखने मात्र से, सुनने मात्र से ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य फायदा होगा, परिवार में अच्छाई होगी, बच्चे अच्छे होंगे और पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज बहुत सारे हमारे पत्रकार और कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल किया है कि क्या सहयोग से ब्लैक फंगस या जो बच्चों को बीमारी लगने वाली है उससे बचाया जा सकता है, बच सकते हैं। देखिए, आज हम बताना चाहते हैं कि जो महामारी चल रही है ये हर ग्रंथ में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा, बाइबल में लिखा, गीता में लिखा, गुरु ग्रंथ में लिखा है, नाड़ी ग्रंथ में लिखा है, सौंदर्य लहरी में भी, शंकराचार्य ने लिखा, विलियम ब्लैक ने लिखा, ज़ोरास्ट्र ने लिखा, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, गुरु हुए हैं संसार में 10, उन सब ने लिखा है कि महामारी इस तरह से आएगी और 1970 में एक ऐसा योग घटित होगा जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। और श्री माता जी निर्मला देवी जो अवतार के रूप में आई है उनके बारे में भी लिखा है कि उनका जन्म कहाँ होगा और वो कल्कि का अवतार का रूप धारण करेगी। इस बार जो श्री माता जी का जो अवतार आया है ये कल्कि के रूप में आया और कल्कि की सवारी क्या है? कल्कि की सवारी हवाई जहाज है, सफेद घोड़ा नहीं है। सफेद घोड़ा तो जो आपकी कुंडलनी शक्ति जब यहाँ आती है और ये बाहर निकलती है, तो आप सब लोग जितने भी आत्म साक्षात्कारी लोग हैं वो कल्कि का ही काम करते हैं दुनिया में। कल्कि का मतलब है कि जो गंदगी है, जो बुराई है, उसको समाप्त करना ब्रह्म शक्ति से, प्रेम से, और जो अच्छे लोग हैं उनको बचाना ब्रह्म शक्ति से और प्रेम से। तो ये जो कार्य चल रहा है ये कल्कि का चल रहा है, महामारी का चल रहा है और ये सत्युग का कार्य चल रहा है। ये कलयुग बिल्कुल समाप्त दिखाई देगा और ये अभी एक ही आपको देख रहे हैं। ये हमने 4-3 साल पहले बता दिया था कि चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचेगी, और क्योंकि जब अवतार आता है तो वो कुछ ना कुछ नया काम जरूर करता है। हर युग में हुआ है, जब जब भी कोई, जितने अवतार आए, गुरु नानक देव, श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, जीसस क्राइस्ट आए, पैगंबर साहब, सबके टाइम में ऐसा हुआ है। आज श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया है तो उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि आप सब तैयार हो जाइए, आत्म साक्षात्कार ले लीजिए और अपने ध्यान में मगन रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये जो महामारी का रूप चल रहा है ये केवल सहयोग, केवल केवल सहयोग से ठीक हो सकता है। और सहयोग क्या है? अपनी अंतरात्मा को जागृत करना। जब अंतरात्मा जागृत हो जाएगी, ये केवल श्री माता जी निर्मला देवी के फोटो से हो सकती है, उनकी वाणी से हो सकती है, और जो सहयोगी है उनके बात करने से हो सकती है, और जो सहस्त्रार के लोग हैं उनके हंसने से, बोलने से, हर तरह से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जब ये आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो इसमें हमेशा ध्यान में रहना, ये हाथों से ठंडा निकलना, सिर से ठंडा निकलना, सिर से ठंडा निकलना, पैरों से ठंडा निकलना, ये सब ब्रह्म शक्ति है। इससे कोई भी वायरस, कोई भी फंगस लग नहीं सकता है। जो आदमी इसमें हर समय आनंद में रहता है
और दूसरों को वो प्रेम से बोलता है, प्यार से बोलता है, किसी से दुश्मनी नहीं करता है, कोई भी नफरत नहीं करता है। ऐसे इंसान के पास चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, सिख है या ईसाई है, किसी भी संप्रदाय का इंसान है वो, उसको ये हो नहीं सकता जो आज कोरोना या महामारी या फंगस चल रहा है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए खतरा है जो गलत गुरु के, तांत्रिक के, मौलवी के ताबीज के पास जाते हैं, ताबीज ला करके रखते हैं, बांधते हैं, उनको इससे परेशानी हो सकती है और जो उनके बच्चे हैं उनको भी हो सकती है। तो मैं आज सब मीडिया और सरकार के सामने बताना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है, इसको जल्दी से जल्दी जन जन तक पहुंचा दीजिए, और गरीब से गरीब आदमी भी इसका फायदा उठा सकता है और रईस से रईस भी उठा सकता है, लेकिन ये कार्य निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा क्योंकि इस पर पैसा नहीं चलता है। अगर पैसा चलेगा तो रईस लोगों के लिए हो जाएगा, गरीब आदमी कैसे बचेंगे। तो ये जब भी भगवान का अवतार आता है, आज जो श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया, उन्होंने पूरी दुनिया को निःशुल्क दिया है, पूरी दुनिया को ये फ्री दिया है, और आज हम सभी सहयोगी पूरे संसार के फ्री दे रहे हैं, और ये 50 साल हो गए इसको चलते हुए, आज पूरे संसार में 200 देशों में चल रहा है, और जिनको ये आत्म साक्षात्कार मिल चुका है, इसको रूहू भी बोलते हैं, रूहानी, कुरान शरीफ में रूहानी बोलते हैं, तो जिनको ये मिल गई है उनको वो सुरक्षित है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी है, और जिनके पास ये नहीं है और चरित्रवान ईमानदार है तो उनकी भी रक्षा होगी, क्योंकि पांचों तत्वों से कार्य चल रहा है, पांचों तत्वों से महामारी बंद होगी, पांचों तत्वों से महामारी फैलेगी, दोनों कार्य पांचों तत्व करेंगे, और ये ब्रह्म शक्ति जब बाहर आ जाएगी निकल के शरीर से, सबके शरीर के अंदर होती है, तो ये पांचों तत्वों को जो ओरा होता है उससे ठीक करती है, शुद्ध करती है, और वो पांचों तत्व फिर कोरोना या फंगस नहीं लगने देंगे, और जिनके पास ये ब्रह्म शक्ति नहीं होगी उनकी कोई भी सुरक्षा या सुरक्षित रहना कह नहीं सकते हैं, रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते, वो ऊपर परमात्मा जानता है या वो जानते हैं। तो मेरी